आम आदमी पार्टी की जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। राजधानी दून में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत के बाद समर्थन में एकजुट होकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं के अनुसार दिल्ली में जीत के बाद पार्टी अब अन्य राज्यों में भी अपना संगठन मजबूत करेगी। साथ ही कार्यकर्ताओं ने 2017 में उत्तराखंड में सरकार बनाने का भी दावा किया। दिल्ली के ताजा रुझानों के बाद हर तरफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, उसमें साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में राज करने जा रही है, उसको लेकर जो कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बात करते हैं कि आखिरकार किस तरीके का उत्साह है आप लोगों के अंदर, जिस तरीके से आपकी आम आदमी पार्टी ने जो है दिल्ली में अपना एक बहुत भारी प्रचंड बहुमत दिखाया है। दिल्ली में जो लड़ाई जीती गई है, ये युवाओं के बदौलत जीती गई है और उत्तराखंड का युवा आज पूरी तौर से एक मुट्ठी बनकर, एक ताकत बनकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को यहाँ चुनौती देगा, ये हमें विश्वास है। दिल्ली में जिस तरीके का हालात देखने को मिला, आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, क्या लगता है कि देश भर में भी जो है कुछ ऐसा ही प्रदर्शन हो पाएगा आने वाले समय में? देखिए, जिस तरीके से राष्ट्र के भीतर अदानी और अंबानी इस तरीके से धन्ना सेठों की राजनीति चल रही है, तो भारत की राजनीति को 2% जितनी भी चाहे साग सब्जी दालें देखिए उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दलाली की राजनीति है, उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा दिल्ली की जनता ने मारा है। तो लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का भी एक संदेश है आने वाली राज्य सरकारों के लिए भी, जिस तरीके से दिल्ली में जो है जीत दर्ज की है, उसके बाद जो है उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन जरूर करेगी। कैमरामैन रूपेश नेगी के साथ सौरभ भाटिया, समाचार प्लस, देहरादून। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिली बड़ी जीत के बाद तीर्थ नगरी में आपके कार्यालय में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलने से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। आपके कार्यकर्ताओं की माने तो दिल्ली में मिली जीत के बाद अब पूरे देश में आपका जनाधार बढ़ने की संभावनाएं बन गई है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली का संदेश पूरे देश में जाता है और अब उत्तराखंड में आने वाले 2017 विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जीत है और मोदी अमित शाह की हार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर हल्द्वानी में भी आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को मिठाइयां बांटी और होली का गुलाल उड़ाते हुए ढोल नगाड़ों में जमकर डांस भी किया। इस मौके पर आपके कार्यकर्ताओं का कहना था कि आम आदमी पार्टी की जीत से कार्यकर्ताओं को नई संजीवनी मिल गई है, इसका असर उत्तराखंड में भी 2017 में आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।